रहा हूँ ना अगले रास्ते तक। आज SSP कठुआ द्वारा जो है वो GMC कठुआ का दौरा किया गया, क्या खास जो है बातचीत उनसे हुई और किस विशेष मुद्दों पर जो है बातचीत हुई? ये जनरल सिक्योरिटी रिव्यू के लिए आए थे मैम, तो SHO साहब भी आए हुए, तो जनरल रिव्यू था क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं और डॉक्टर्स का भी जो हमारा हॉस्पिटल का सिक्योरिटी के इश्यूज रहते हैं उसके लिए आए हुए थे। सर किस देखते हैं जिस तरह से दिन प्रतिदिन लगातार चोरियाँ भी जो है वो GMC में बढ़ती हैं, तो क्या दिशा निर्देश जो है मैडम? वही के कंटिन्यूस पेट्रोलिंग की जाएगी, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी करेगा और JK पुलिस भी। जिस तरह से SSP कठुआ मैम द्वारा GMC कठुआ का दौरा किया गया और क्या खास बातचीत जो है वो मैडम के साथ में? एक मैडम की तरफ से एक सिक्योरिटी रिव्यू थी यहाँ की GMC की सिक्योरिटी का, और इसमें जो है वो जो रीसेंट इंसिडेंट्स थे उसके मद्देनज़र जो है वो यहाँ पे विज़िट की गई, तो मैम ने यही किया है कि दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे थोड़ी पेट्रोलिंग जो है वो और बढ़ाई जाए। इनफैक्ट कुछ सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, कल शाम से हमारी एक पार्टी जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रही है शाम के टाइम जब रश होता है, और यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई गई है। दूसरा मैडम ने ये पब्लिक के लिए जो है वो रिक्वेस्ट की है कि हमारी आँख और कान बन के जो है वो काम करें, इलेक्शन के चलते जो है वो हमारे थोड़ी कोऑपरेशन करें, लोगों के ऊपर नज़र रखें, हमें जो है वो टाइमली इंफॉर्मेशन दें, तो हम जो है वो सिक्योरिटी के लिए सदैव तत्पर हैं। लगातार हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करेंगे और दूसरा इसको डिटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि ऐसी जो है वो चीज़ें जो है वो कम हो। दिनों देखा गया था कि GMC कठुआ में कुछ नशेड़ी भी आते हैं जो इंजेक्शन लगाते पाए गए थे, लेकिन जब कैमरा ऑन हुए या GMC का स्टाफ उनके पीछे भागा तो वो जो है यहाँ से भागने में जो है वो कारगर साबित हुए। हम लगातार यहाँ से हम यहाँ से सस्पेक्ट जो है वो पकड़ रहे हैं, उनको बाउंड कर रहे हैं। GMC के अंदर ही कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो बीमार ना होने के बावजूद भी एडमिट होते हैं और उन्होंने की चोरियों को अंजाम दिया, तो उन पर किस तरह से? मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई सस्पेक्ट अगर मिलता है, जैसे कल का ही एक इंसिडेंट है, हमने जो है वो सस्पेक्ट को हम बाहर से पकड़ लेते हैं, उसके बाद चौकी के थ्रू पता करवाते हैं कि वाकई में इसका पेशेंट है कि नहीं है। अगर तो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख लेते हैं और उसके बाद